हाय एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सूजी की रसमलाई, जो बिल्कुल घर के बेसिक सामान से बन जाएंगे। और यहाँ पे मैंने एक ग्लास दूध लिया है और दूध को थोड़ा हल्का गर्म कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया है एक कप सूजी, और सूजी को हम तब तक पकाएंगे जब तक वो मिल्क को एब्जॉर्ब कर लेंगे। और देखिए, ये धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर रहे हैं सूजी, और सूजी सॉफ्ट बन जाएंगे। और यहाँ देखिए, पैन से भी ये सूटने लग गए हैं, तो ये एक परफेक्ट डो के लिए रेडी हो चुके हैं। तो इसको अभी हम थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है। इसको बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, हल्का गर्म रखना है। उसके बाद हमें इसको अच्छे से गूंदना है, जितने हल्का गर्म रहेंगे तभी हम इसको अच्छे से गूंदेंगे, तो ये एक सॉफ्ट डो बन जाएंगे। तो ये देखिए, मैं इसको 3-4 मिनट लगातार इसको अच्छे से गूंदी हूँ, और उसके बाद ये देखिए, अच्छा सा एक सॉफ्ट सा डो बन गए हैं। तो इसको मैं अभी रख दूँगी एक कपड़े से ढक के अलग से। और यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई लिया है, कढ़ाई पे एक ग्लास दूध लिया है, और दूध को मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे रखी हूँ उसको उबलने के लिए। यहाँ पे मैंने 4-5 इलायची लिया है, क्योंकि रसमलाई में इलायची का खुशबू जो होते हैं वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये दूध उबलने लग गए हैं अभी, तो यहाँ पे मैं इलायची, कुटी हुई जो इलायची है वो ऐड करूँगी। और ये दूध जितने उबलेंगे उतना ही इलायची का जो खुशबू है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो इलायची को इसीलिए हम इसी टाइम पे ऐड कर दी हूँ। और ये देखिए, बिल्कुल हमारे जो गैस है वो लो फ्लेम पे है, हमें लो फ्लेम पे धीरे धीरे उबालना है, दूध को गाढ़ा करना है। तो ये इसी पॉइंट पे मैंने ऐड किया है ब्राउन शुगर। आप लोग वाइट शुगर भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ब्राउन शुगर लिया है। और यहाँ पे मैं जो ड्राई फ्रूट्स है वो ले कूट रही हूँ। तो ऐसे ही आप लोग अपने पास जो भी ड्राई फ्रूट्स है वो आप लोग ले लीजिएगा। और यहाँ अभी हम बनाएंगे छोटे छोटे पेड़ा, जो हमें रसमलाई में डालना है, रसमलाई बनाना है। तो पहले हम ये देखिए, बिल्कुल छोटा छोटा सा मैंने लिया है, और इसी आकार में मैं बना रही हूँ, गोल गोल आकार में। तो आप लोग कोई भी शेप दे सकते हैं, मुझे ये शेप पसंद है तो मैं यही वाला दे रही हूँ। और मेरे सारे पेड़े अभी रेडी हो गए हैं। और ये देखिए, दूध भी मेरा बिल्कुल गाढ़ा हो गया है, और ब्राउन शुगर ऐड किया था तो यहाँ पे कलर भी उसका बहुत अच्छा सा एक कलर आए है। और ये देखिए, अभी मैं इसी पॉइंट पे ये सारे जो पेड़े हैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। इसको भी थोड़ी देर मैं उबालूँगी, जितने अच्छे से उबालूँगी ये पेड़े भी, वो रसमलाई भी उतने ही सॉफ्ट बनेंगे, और जितना गाढ़ा होंगे रसमलाई उतना अच्छा और टेस्टी बनेंगे। और ये देखिए, मेरा रसमलाई अभी रेडी होने के लिए तैयार है। और बिल्कुल अभी मेरा रसमलाई बिल्कुल रेडी हो रहे हैं, और ये देखिए, बिल्कुल रेडी हो गए हैं ये रसमलाई। मैंने गैस को ऑफ कर दिया है, और इसे थोड़ी देर ठंडा करूँगी, उसके बाद हम इसको सर्व करूँगी, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। और यहाँ पे मैंने जो जो ड्राई फ्रूट्स लिया था उससे मैंने इसको गार्निश कर दिया है। तो ये देखिए, रसमलाई बिल्कुल रेडी।